कर्नाटक के चुनाव जुबानी लड़ाई के चलते दिनों दिन दिलचस्प और विवादित होते चले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते देखा है, हनुमान मंदिर का दिखावा न करे कांग्रेस। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मृति ईरानी अपने दावे पर बुरी तरह फंस गई, स्मृति ईरानी के किस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं, प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का दावा उन पर कैसे उल्टा पड़ गया है, स्मृति ईरानी के एक दावे से बीजेपी की कई वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि एक न्यूज़ एजेंसी से बात करने के दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के मंदिर वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवकुमार जी से बड़ी विनम्रता से कह रही हूं कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे हैं, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा न करें तो बेहतर है। लेकिन मेरा उनसे दूसरा सवाल ये है कि क्या उन्होंने श्रीमती वाड्रा, उन्होंने प्रियंका गांधी को संबोधित किया ऐसे, से चेक किया। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा था। अब सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वे मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिवकुमार ऐसा वादा कर सकते हैं। बीते दिनों कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का दावा किया गया था, जिसके बाद बीजेपी समेत विहिप और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ कर कांग्रेस का विरोध किया। बजरंग दल पर बैन लगाने के दावे के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर आई है। उसका कहना रहा है कि हमने बजरंग दल पर रोक लगाने की बात नहीं की, हमने तो ये कहा था कि पीएफआई या फिर इस तरह के दल जो अराजकता फैलाते हैं उन पर शिकंजा लगाया जाएगा। बीते दिनों कर्नाटक कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री रहे वीरप्पा मोइली ने इसको लेकर सफाई दी थी, जिसके बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद सोशल मीडिया पर अपने फोटोज को शेयर किया। इस दौरान शिवकुमार ने कहा कि वो सरकार बनने पर पूरे कर्नाटक के हनुमान मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने के साथ साथ इसके लिए स्कीम भी लाएंगे। अब बात करते हैं स्मृति ईरानी के दावे की और उस पर कैसे सवाल खड़े हुए हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख के इसी बयान पर स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर नमाज पढ़ने का आरोप तो लगाया, लेकिन इसकी कोई तस्वीर या वीडियो बतौर सबूत नहीं दिया। वहीं उनके दावे पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तस्वीरें वायरल हैं जिनमें प्रियंका गांधी को मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ देखा जा सकता है, लेकिन उसमें वो नमाज पढ़ती नहीं दुआ करती दिख रही हैं। और इसी तरह के वीडियो और तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी की भी हैं जिनमें वो बहादुर शाह जफर की मज़ार पर दुआ मांगते दिखाई देते हैं या उस वक्त मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की तस्वीर 2017 की है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाऊद बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में वो जा चुके हैं और अलग अलग मौकों पर उनकी भेंट स्वीकार कर चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर स्मृति ईरानी और पीएम नरेंद्र मोदी की है, जिसमें वो अजमेर शरीफ के लिए सादर भेंट करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने कई ऐसे वीडियोज और तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। देखिए, एक नरेटिव की बात होती है। कर्नाटक का पूरा चुनाव मुद्दों से हटकर अब बजरंग बली के इर्द गिर्द आ गया है। बजरंग दल पर जो बैन की बात थी, जिस पर अब बैकफुट पर कांग्रेस भी दिखाई दे रही है, हनुमान मंदिर बनाने की बात, जय बजरंग बली का नारा खड़गे दे रहे हैं, ये सारी बातें एक ऐसे समय पर दिखाई दे रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने जय बजरंग बली का नारा अपनी सभाओं में उठा दिया। उन्होंने बजरंग दल के बैन को बजरंग बली पर बैन से जोड़ दिया। कांग्रेस को यह भी सफाई देनी पड़ी कि हम बजरंग दल और बजरंग बली को साथ में नहीं रख सकते हैं। कर्नाटक में बजरंग बली को लेकर एक अलग मान्यता है, क्योंकि वो किष्किंधा जो नगरी कही जाती है, जहां से हनुमान जी थे, वो कर्नाटक में ही है। इसीलिए कर्नाटक के लोगों का बजरंग बली से, हनुमान जी से खासा जुड़ाव है। बहुसंख्यक समाज यहाँ पर बहुतायत में है, यानी हिंदू वोटर्स। पोलराइजेशन की बात पहले से कही जा रही थी। अंतिम दिनों के इस चुनाव प्रचार से कांग्रेस को कहीं नुकसान ना हो जाए, इस बात से राजनीतिक विश्लेषक इनकार नहीं कर रहे हैं। कई लोगों का तो ये मानना है कि जीती हुई बाजी हाथ से ना निकल जाए कांग्रेस की इस एक मुद्दे की वजह से। बहरहाल, इस सब के बीच में स्मृति ईरानी ने प्रियंका के नमाज वाली बात को कहकर इस मुद्दे को गर्मा दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो फिर जमकर वायरल किया गया कांग्रेस के तमाम समर्थकों कार्यकर्ताओं की तरफ से। ये 28 जनवरी 2016 का है। वायरल वीडियो में पीयूष गोयल एक निजी कार्यक्रम में संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि वो खुद रोज सुबह पूजा करने के साथ कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे वो मुसलमान हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने दुआ भी पढ़ी थी, कलमा भी पढ़ा था। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है वो यही है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ चलते
करते हैं तभी देश का निर्माण होता है, ये बात भी पीयूष गोयल ने कही थी। बहरहाल अब आप देख रहे हैं वीडियोज और तस्वीरों का एक युद्ध जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक का पूरा चुनाव उस दिशा में मुड़ गया है जहां बीजेपी चाहती थी, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के पाले में आई हुई गेंद है जिस पर खेलने को कांग्रेस मजबूर हो गई है। हालांकि अब कांग्रेस भी लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं के पुराने वीडियो शेयर कर रही है। स्मृति ईरानी ने एक बार राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो विवेकानंद के पास नहीं गए या विवेकानंद को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, उनको प्रणाम तो कर सकते थे। इसके बाद आपने देखा तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हुए जहां पर राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत से पहले ही कन्याकुमारी में उस स्मारक पर गए थे जो विवेकानंद जी के लिए जाना जाता है, वहां पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कुल मिलाकर एक बार फिर वीडियो वॉर शुरू हो गया है। स्मृति ईरानी प्रियंका और राहुल के मुद्दों पर मुखर होकर बोलती हैं क्योंकि ये बात सिर्फ पार्टी लाइन की नहीं है, ये उनकी अपनी सीट की भी बात है। अमेठी से राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, प्रियंका भी इस बार दावेदार हो सकती हैं कहा जा रहा है जब राहुल के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है, लिहाजा प्रियंका और राहुल दोनों पर स्मृति ईरानी हमलावर है। लेकिन कांग्रेस को भी मौका मिल गया कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं के पुराने वीडियोस और तस्वीरों को वायरल करे। मन से उजाला, चले चले, मन से उजाला।